अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इससे पहले जो है वो हमने कॉम्बिनेशंस के मतलब पढ़ा था और 7.4 एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हमारे पास 7.4 टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के मतलब। इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम इसमें करेंगे और उसके साथ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ के मतलब। मैथ क्या चीज है, शुरू के इंट्रोडक्शन में भी बताया गया है। तो मैथ एक हमारे पास सीखने की चीज है, मैथ एक आर्ट है, आर्ट्स नहीं लेकिन ये एक आर्ट है, ये एक फन है जो सबको नहीं आता लेकिन सब सीख लेते हैं। तो जिस तरह हम घरों में घर के काम करने के लिए या कोई स्किल सीखते हैं तो ये भी एक स्किल है। तो हमें इसको पढ़ने की या पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सीखने और सिखाने की जरूरत है। तो इसी तरह से ये एक टॉपिक है, ये इससे पहले भी जो हमने कॉम्बिनेशन और अपना प्रमोटेशन किए हैं या चैप्टर नंबर 7 के जितने भी पार्ट और उससे पहले जितनी भी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं वो सब आपने सीखने हैं, ना कि आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी हम सीखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की, इंट्रोडक्शन है, हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन में हम इसकी तारीफ सीखेंगे और इसके इससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन हैं, जितने भी इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे मसले मसाइल हैं वो सारे हम इसमें सीखेंगे। इसकी थ्योरी जब हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इसकी थ्योरी जब हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। सादा जुबान में प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी चीज के, किसी इवेंट के, किसी मौके के वाकया होने के चांसेस, ठीक है ना। आम जुबान में हम इसे ये कहेंगे कि कोई भी चीज जब वकूअ पज़ीर होती है उसके कितने चांसेस होते हैं वकूअ पज़ीर होने के। तो प्रोबेबिलिटी जो है, जो नाम दिया गया है, वो इसी चीज को एक न्यूमेरिकल एवेल्युएशन कहा जाता है ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड ऑकर। अब पर्टिकुलर इवेंट, कोई खास इवेंट, कोई खास मौका, कोई खास चीज, जैसे कि बारिश का होना, आज मौसम अपर अलूर है, बारिश, अब मौसम अपर अलूर है। अब मुझे ये बताएं, मौसम अगर अपर अलूर है, बादल है, घटा छाई हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हम कह सकते कि बारिश लाजमी होगी, ठीक है। दो चांस है मेरे पास बारिश के, या एक है बारिश होगी और दूसरा क्या है, नहीं होगी। एक बारिश होगी और दूसरा बारिश नहीं, ये दो ही चांस है। मतलब कि मेरे पास इसके 50% चांस है, 50% चांस है होगी, 50% है नहीं होगी। और अगर बारिश हो गई, बारिश हो जाती है, तो हमारा जो है वो एक 50% चांस मुकम्मल हो गया है। अब वो मुकम्मल हो गया कि बारिश हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह किसी के पास या फेल होने के चांसेस भी 50-50 है, या वो पास हो सकता है या वो फेल हो सकता है। इस तरह से हमारी जिंदगी के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो ऑकर हो सकते हैं, ऑकर नहीं हो सकते, इनके चांसेस कितने बनते हैं। अब इसकी बहुत आम और सादा सी मिसाल है, आगे पास अगर एक क्वाइन है, क्वाइन है हमारे पास, उसके दो साइडें होती हैं। इसका मतलब है जो उसकी टू साइड्स हैं, उसके एक साइड की कितने चांस है, 1/2, मतलब 50% हेड होगा या 50% टेल होगा, ठीक है ना। तो जितने उसके पॉसिबल आउटकम्स बन जाते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। और इसकी जब हम न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ये वाली चीज करते हैं ना, ये न्यूमेरिकल एवेल्युएशन है, लफ्जों में जो कुछ मर्जी बयान कर दे, ये लफ्जों में लिखा गया सारा कुछ ये वाला, लेकिन ये इसकी न्यूमेरिकल एवेल्युएशन हो गई है 1/2। तो ये इसका हमने प्रोबेबिलिटी कह दिया।
किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऑकर होने को जब हम उसकी न्यूमेरिकल एवेल्युएशन करते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। सैंपल स्पेस क्या है और इवेंट क्या है, इसके मतलब क्या चीज आप पढ़ सकते कह सकते हैं कि जो सेट एस है वो तमाम उन पॉसिबल आउटकम्स पर मुश्तमिल है जो किसी भी एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं, नतीजे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जैसे ये हमारे पास क्वाइन है तो इसका एक हेड है एक टेल है, तो अगर मैं इसको सैंपल स्पेसेस में लिखूंगी क्वाइन को तो एक हेड और दूसरा टेल, ये एक सेट लिखा गया है एस जिसमें पॉसिबल आउटकम्स मौजूद हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉस करना है हमने क्वाइन का, एक उछालना है, तो या उसका हेड आएगा या उसका टेल आएगा, तो इस सेट को हमने सैंपल स्पेसेस कहना है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर आउटकम है वो इवेंट होगी, ठीक है, और इवेंट को हम जो है वो हमेशा ई से शो करते हैं, और ठीक है, पर्टिकुलर आउटकम्स कॉल इवेंट, और एक ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो मौजूद हो उस सेट को किसी भी एक्सपेरिमेंट की, आप उसमें क्वाइन ले सकते हैं, आप उसमें एक डाई ले सकते हैं, डाइस ले सकते हैं, आप उसमें वो जो पत्ते ताश जिसे आप कहते हैं वो हो सकती है, बारिश की होना या ना होना हो सकता है, कोई भी चीज आपके पास मुख्तलिफ कलर है उनमें से कौन सा कलर आपके हाथ में आ सकता है, उसके तो जब हम एक सेट में लिख लेते हैं आउटकम्स को किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो उसको हमारे पास सैंपल स्पेसिस बन जाती है। और उसका दूसरा जो है वो इवेंट क्या है, जब पर्टिकुलर आउटकम हमारे पास आ जाती है तो वो उसका इवेंट हो जाता है, मतलब कि वो अब वाक्य हो चुकी, जैसे मैंने कह दिया कि बारिश अब हो गई है तो ये पर्टिकुलर इवेंट आउटकम इसकी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये इवेंट अब हो गया है शुरू, ठीक है। जब तक ये नहीं हुई थी हमें पता ही नहीं था होनी है या नहीं होनी, तब तक ये सैंपल स्पेसिस भी था। अच्छा हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट, एन बटा एम, एन ऑफ ई नंबर ऑफ इवेंट्स और एम जो है वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस है, ठीक है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ऑकर, तो जैसे यहाँ पर हेड है तो वो एक ही तरीका है उसके आने का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेसिस जो सेट लिखा है मैंने ये वाला, इसके अंदर कितने हैं, ये दो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बाकी भी इसके डेफिनेशन को हम सीखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और आम तौर पर हम इसे कह सकते हैं डिसजॉइंट इवेंट, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब कि जो एक दूसरे में मौजूद नहीं होते, जिनका इंटरसेक्शन जो है वो एक खाली सेट होता है, डिसजॉइंट, ठीक है। तो डिसजॉइंट इवेंट्स हैं मतलब के जो वाकयात हो रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे, वो डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इफ अ सैंपल स्पेस एस 1 3 5 7 9 जो है इसमें ये सैंपल स्पेस है और इसमें एक सेट हमारे पास ये है ए और एक दूसरा सेट है बी, तो आप देखें कि दोनों जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट दोनों के सैंपल इवेंट्स जो है वो मुख्तलिफ हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है जो दोनों एक दूसरे से बड़ा हो, एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो, एक दूसरे के अंदर उनके कोई भी एक दूसरे का एलिमेंट उसके मौजूद नहीं होना चाहिए, हमारे पास सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए, वो मतलब ओवरलैपिंग ना करते हैं, ठीक है। कोई एक भी एलिमेंट जो है वो एक सेट का दूसरे सेट में मौजूद नहीं होना चाहिए, तो ये एक हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली होता है बामी, तो एक्सक्लूसिव जो है वो उस चीज से मुबर्रा होना है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से मिलते हुए ना हो, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होंगे एंड दे आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं हेड एंड टेल वाली,
कॉइन है हमारे पास, उसके अंदर जो है अगर सैंपल स्पेसिस जो है वो मेरे पास हेड और टेल है, तो एक मेरे पास इवेंट हो गया हेड और दूसरा इवेंट हो गया मेरे पास टेल। तो क्या हुआ कि ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होंगे, इवेंट के मुताबिक बात हो रही है। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होंगे, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच वन ऑफ देम हैज इक्वल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ऑकरेंस। इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, पॉइंट ले सकते हैं, डाइस की भी ले सकते हैं, गोटी जिसे हम कहते हैं 6 नंबरों वाली। इसमें हर एक ने जो है वो बराबर अकर होना है। एक कॉइन के अंदर हेड और टेल होते हैं, दोनों के चांसेस 1/2, 1/2। इसमें 6 होते हैं, 1/6, 1/6, 1/6। तो इसके उसमें जो है 6 के 6 जो नंबर है उनके जो चांसेस हैं आने ओकर होने के, ठीक है। तो अगर उसमें 3 है तो 3 के आने के चांसेस भी 1/6 है। तो ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके वाक्य होने के चांसेस बराबर हो, बारिश होती है या बारिश नहीं होनी है, तीसरा रास्ता कोई ना हो हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली इसके इवेंट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है वो हम, अच्छा इसके अंदर एक और चीज है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होती है, ठीक है। पी जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा लेस एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर 0 है तो वो इवेंट कंप्लीटली ऑकर नहीं होगा, ठीक है, नॉट ऑकर। और जब 1 है तो इवेंट क्या है वो ओकर हो चुका है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। 1 और 0 दो डिजिट हैं, या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर खत्म होता है इसकी थ्योरी पर। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स करेंगे 7.5 एक्सरसाइज की इंशाल्लाह। तो इतनी सी चीज आपने ये सीख लेनी है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल ना हो, ना सिर्फ इस क्लास में, किसी भी जगह पर किसी भी किताब का कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आप उसको हल करने के काबिल हो। ओके, अल्लाह हाफिज।